अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माय उपचार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आयुष पांडे और आज जिस विषय पे हम आपसे बात करेंगे उसका नाम है HIV के लक्षण। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें विस्तृत जानकारी HIV पे प्राप्त करने के लिए। HIV जिसे हम मेडिकल टर्म्स में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, ये एक रेट्रो वायरस है जो समय के साथ एड्स कराता है। एड्स एक बीमारी है जो कि HIV की वजह से होती है। एड्स में शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में CD4 नाम के ब्लड सेल्स रहते हैं जो कि हमारी शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन जब HIV या एड्स होता है तो ये इन सेल्स को नष्ट करता है जिससे शरीर की क्षमता पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन या बीमारी होने के चांसेस या ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। HIV के लक्षण और कारण 3 स्टेज में डिवाइड किए गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख और पहला स्टेज है अक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी जब पेशेंट या मरीज को इन्फेक्शन होता है उसके बाद ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इस दौरान कुछ फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे शरीर में दर्द का होना, मांसपेशियों में खिंचाव, सर्दी, खांसी, छींक का होना, लंबे समय तक बुखार का होना, ये 2 से 3 हफ्ते के इन्फेक्शन के बाद हो सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये ठीक भी हो जाते हैं। दूसरा फेज़ इसमें लेटेंसी या असिम्प्टोमेटिक फेज़ होता है, यानी एक ऐसा फेज़ जिसमें पेशेंट पहले फेज़ के होने के बाद हो सकता है पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाए और उसे 10 से 15 साल तक कोई लक्षण भी ना देखने को मिले। इसे हम विंडो पीरियड कहते हैं, यानी पेशेंट्स मरीज को जब HIV वायरस इन्फेक्ट किया या संक्रमण हुआ और उसके बाद उसे HIV का लक्षण दिखना, तो इस दौरान चूंकि पेशेंट स्वस्थ रहता है तो उसे पता भी नहीं चल पाता कि उसे HIV का इन्फेक्शन हो रखा है। सबसे अंतिम चरण इसमें एड्स होता है। इसमें CD4 सेल की नॉर्मल हमारे शरीर में काउंट 1000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, लेकिन इस फेज़ में ये 200 क्यूबिक प्रति मिलीमीटर से भी कम हो जाती है, जिसमें शरीर में इन्फेक्शन या और बीमारियों के होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कुछ और प्रमुख लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे लंबे समय तक बुखार का होना या ऐसी कोई बीमारी या संक्रमण का होना जो दवाइयों से भी ठीक ना हो, रात को पसीना आना, चक्कर आना, घबराहट होना, पेट में मरोड़ होना या दस्त होना, लंबे समय तक मुंह के छाले होना या भूख ना लगना या लिम्फ नोड्स में सूजन होना या और कहीं बीमारी का शरीर में होना जिसे हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, इसमें TB यानी ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया का होना HIV वायरस के संक्रमण के बाद देखा जा सकता है। सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से इस संदर्भ में मिले और जांच कराएं। आशा करता हूँ HIV के लक्षण के ऊपर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी और प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। माय उपचार के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।